नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभी जांजगीर जिले के तुर्री धाम में और ये तुर्री ग्राम के नजदीक में है। और साथ में दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि ये हो सकता है अब शक्ति जिले में आता हो, क्योंकि अब जिला जांजगीर टूट चुका है, जिला जांजगीर चांपा टूट चुका है और शक्ति जिला नया बन चुका है। तो ये यहाँ से शक्ति जिला 13 किलोमीटर पड़ता है, तो हो सकता है ये शक्ति जिले में आए। और ये बहुत ही अच्छा प्लेस है दोस्तों, एक शिव मंदिर है और पहाड़ को काट कर पानी भी यहाँ से बहता हुआ जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ। तो हम तुर्री धाम पहुँच गए हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिहाज से काफ़ी सुंदर और काफ़ी खुशनुमा मौसम यहाँ रहता है दोस्तों, आप यहाँ ज़रूर आइएगा। कोरबा शक्ति मार्ग में भैसमा और दमाऊ धारा होते हुए आपको यहाँ आना पड़ता है। दमाऊ धारा से तुर्री धाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ आपको अनेक सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके दर्शन से आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है दोस्तों। यहाँ करवा माता का मंदिर है जो कि साहू समाज की कुल देवी होती है। यहाँ देखिए कर्मा माता के साथ भगवान कृष्ण को दिखाया गया है उन्हें खिचड़ी खिलाते हुए। कर्मा माता को साहू समाज के लोग अपने आराध्य देवी के रूप में पूजन करते हैं। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ के राठौर समाज की भी आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ आपको राधा कृष्ण की एक और प्रतिमा दिखाई दे रही होगी दोस्तों। देखिए काफी खूबसूरत व्यू है, नदी का पानी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको और साथ में यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं और अंदर के व्यू को भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और मंदिरों का आधुनिकीकरण आपका मन मोह लेगा दोस्तों। एक छोटे से ग्राम तुर्रित के कारण यहाँ पर इतने सारे मंदिर बनाए गए हैं, पर काफ़ी अच्छा मंदिर परिसर है दोस्तों। तुर्रित हम मुख्य रूप से अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जल पुंज है दोस्तों, एक जल का स्रोत है जिससे निरंतर पानी शिवलिंग पर बहते रहता है। 12 महीना जलाभिषेक से भगवान शिव की यहाँ आराधना स्वयं ही प्रकृति करते रहती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे में आपको शिवलिंग दिख रहा होगा और ये जल का स्रोत नीचे से बहता हुआ शिवलिंग पर गिर रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको नंदी जी भी दिखाई देंगे। मंदिर परिसर में कुछ अन्य मूर्तियां भी रखी गई है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक भगवान बजरंगबली की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। सावन के महीनों में यहाँ पर आपको शिव भक्तों के बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। ये आसपास के क्षेत्र को कवर करता है दोस्तों। यहाँ पर एकमात्र ही शिव मंदिर है, ऐसा शिवलिंग है जो शक्ति के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर भगवान की आराधना करने के लिए आया करते हैं। और बहुत ही प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ आपको देखने को मिलता है। स्थानीय निवासियों के द्वारा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण शक्ति के राजा ने ही करवाया होगा, पर मंदिर आधुनिक मंदिर है दोस्तों। प्राचीन इस शिवलिंग की स्थापना किसी राजा ने किया हो ऐसा हो सकता है, पर उस राजा का नाम इतिहास के पन्नों में अज्ञात है दोस्तों। इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है कि किस राजा ने इस शिवलिंग की स्थापना किया था। शिव मंदिर के अतिरिक्त यहाँ आपको दुर्गा मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो अभी दोपहर को हम आए थे तो बंद था। यहाँ देखिए एक भगवान बजरंगबली की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और एक मंदिर भी है, वहाँ का हमने वीडियोग्राफी किया है दोस्तों। और रोड से जो शक्ति मार्ग है वहाँ से हम देखते हैं तो भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये परिसर दोस्तों। अब इस तुर्री धाम से आगे बढ़ते हुए हम नगरदा गाँव की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और नगरदा गांव में ही स्थित है नगरदा वाटरफॉल, जो कि शक्ति जिले का एक आकर्षण का केंद्र है दोस्तों पर्यटन के लिहाज से। और इस मार्ग में आपको प्रकृति की खूबसूरती भी देखने को मिलेगा दोस्तों। नगरदा ग्राम से एक छोटा रोड गुड़वा ग्राम की ओर गया है दोस्तों, वहां से आपको मुख्य मार्ग छोड़ना पड़ता है दोस्तों। अब मैं शक्ति जिले का पहुँच गया हूँ नगरदा ग्राम में, लेकिन आपको यहाँ आसपास ग्राम क्षेत्र तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने गांव को छोड़ दिया है पीछे, और हम पहुंच गए हैं नगरदा वाटरफॉल की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए, ये पहाड़ बोल सकते हैं या पठार भी बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और इस रोड से हम आए हैं और साथ में हमें आगे जाना है नगरदा वाटरफॉल की ओर। इस रोड पे काफी सुंदर लोकेशन है दोस्तों आपको नगरदा वाटरफॉल का आनंद उठाना है तो आपको बरसात के समय में यहाँ आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ थोड़ा सा भी पानी देखने को नहीं मिला दोस्तों, और ये पूरी तरीके से सूख चुका है अभी।
यहाँ कुछ मंदिर भी हैं, आप चाहें तो दर्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं शक्ति जिले की ओर। दोस्तों हम हैं शक्ति जिले में और यहाँ पर देखिए ये महामाई तालाब कहा जाता है। तो महामाई तालाब से आपको तात्पर्य हो जाएगा कि यहाँ एक मंदिर भी है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महामाया देवी का मंदिर है, ये देख लीजिए। चलिए दर्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस शक्ति शहर में एक महामाई देवी का मंदिर है जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ के रियासती जो शासक हुआ करते थे वो यहाँ पूजन अर्चन करते थे। यहाँ देखिए एक हवन कुंड है जिसे अभी ढक कर रखा गया है। यहाँ खम्भेश्वरी माता का भी एक प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यह मुर्गा पाट, छीन पाट, ऐसी बहुत सारी देवी देवताओं के यहाँ चित्रण देखने को मिलेंगे। ये देखिए दऊ भाऊ देव हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, पर ये देखिए ये महामाई देवी का मंदिर है दोस्तों, उनकी प्रतिमा है बहुत ही प्यारी सी, दर्शन कर लीजिए दोस्तों। अंत में हमें एक हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें शक्ति रियासत की स्थापना करने वाले हरि और गुर्जर दो भाइयों की समाधि देखने को मिलती है। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत जिसे हरि और गुर्जर नामक दो भाइयों ने स्थापित किया था और ये प्राचीन महल है 18वीं शताब्दी का। ये देखिए दोस्तों इस महल के अंदर प्रवेश करने के लिए हमने परमिशन लिया दोस्तों, तो यहाँ गार्ड थे, कुछ स्टाफ थे, वो हमें अंदर बुला लिए तो हम चले गए। दोस्तों ये है प्राचीन महल जो कि लगभग 200 साल पुरानी है और वर्तमान में यहाँ सुरेंद्र बहादुर सिंह रहते हैं, निवास करते हैं, साथ में उनके एक दत्तक पुत्र भी हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह और वो जनपद सदस्य भी हैं शक्ति के। तो ये तो महल हुआ दोस्तों और इधर भी काफ़ी खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है, गार्डनिंग भी किया गया है, वो भी देख लीजिए। लेकिन अंदर हमें प्रवेश करने का इजाज़त नहीं मिला जहाँ से हम इस महल के बारे में जानकारी ले सके, क्योंकि तो अभी कोई है नहीं, तो केवल यहाँ के स्टाफ लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम महल के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अभी अंदर कोई है नहीं, केवल स्टाफ लोग हैं, तो उन्हें इसकी परमिशन नहीं है कि हमें अंदर दिखा सके, तो हम बाहर का ही व्यू आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आपसे शेयर कर रहे हैं। ये देखिए ये मुख्य गेट है, यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये महल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत महल है, पुराना ही महल है, उसे थोड़ा सा पेंटिंग किया गया है। यहाँ पर बैठ कर खाने वाने का व्यवस्था भी किया गया है दोस्तों, पर अभी वो बंद था। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये है शक्ति जिले का राधा कृष्ण मंदिर जो कि नवीनतम मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है, देखिए इसकी खूबसूरती आप देखिए। चलिए अंदर दर्शन भी कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जब भी आप शक्ति जिले घूमने के लिए आए तो इस राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन के लिए आपको जरूर आना चाहिए। यह एक नवीनतम मंदिर है दोस्तों और ऐसी डिज़ाइन के मंदिर आपको मेरे अन्य वीडियो में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने रानी सती मंदिर जो कि कोरबा में स्थित है उस मंदिर का ब्लॉग वीडियो आपसे शेयर किया था। इसके अतिरिक्त मैं जांजगीर में भी आपको खाटू श्याम के भी दर्शन कराने वाला हूँ मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मंदिर परिसर है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मुख्य मंदिर के रूप में राधा कृष्ण की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, काफ़ी खूबसूरत प्रतिमाएं हैं, साथ में जगन्नाथ मंदिर भी है। यहाँ देखिए श्याम दरबार है जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं जो कि बर्बरिक हैं, इनका भी एक मुख्य मंदिर जांजगीर ज़िले में बना हुआ है, उसके भी दर्शन मैं आने वाले वीडियो में आपको कराऊंगा दोस्तों। ये देखिए रानी सती दरबार यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा, दादी जी का दरबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, और अंतिम मंदिर के रूप में यहाँ पर आपको शिव दरबार देखने को मिलेगा जिसमें भगवान शिव के साथ उनका संपूर्ण परिवार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों ताकि आप मेरी नई वीडियो का आनंद उठा सकें। चले दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।